और अगर कोई बाई चांस आईएएस नहीं भी बनता तो नॉलेज तो कहीं नहीं जा रही. सो द इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम राइट, दैट्स द की टू सक्सेस. बहुत सारे गानों में भी आप सुनते हो डीसी वर्ड है ना, डीसी लग गया छोरा है ना सर. जब आपके पास इतनी अथॉरिटी इतनी पावर आती है तो वो जो स्पाइडरमैन कहता है विद पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो हजारों तरीकों से वो इंडिया को तंग कर रहा है. हम ग्रो कर रहे हैं कि मेंटली एक यूपीएससी एस्पिरेंट को या एक सिविल सर्वेंट को कितना स्ट्रांग होने की जरूरत है, इसीलिए मैंने ये पूरी स्टोरी नरेट की. नमस्कार, स्वागत है आपका राज आईएएस एकेडमी के गपशप पॉडकास्ट में. तो जैसा हमने पहले ही कहा था कि आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसका आंसर हम इस पॉडकास्ट में करेंगे, और आज तो खुद राज मल्होत्रा सर फ्रॉम राज आईएएस एकेडमी हमारे साथ हैं, जिन्हें 22 साल से ज़्यादा हो चुके हैं पढ़ाते हुए, और इन्होंने काफ़ी सक्सेसफुल सिविल सर्वेंट्स हमारे देश को दिए हैं. सो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग, एंड आई एम ग्लैड टू मीट यू अगेन सर. थैंक यू वेरी मच. ओके सर, मैं डायरेक्ट आपसे बातचीत करना चाहती हूँ क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड थी आपसे बातचीत करने के लिए. सबसे पहले मुझे आपसे बात करनी है क्योंकि 22 साल से आप पढ़ा रहे हैं सर, और मैंने अभी आपको बताया मैं खुद अभी जस्ट परसों ही 24 साल की हुई, तो मैं इतनी छोटी सी थी जब से आपने पढ़ाना शुरू किया. तो सर, प्रैक्टिस एंड डिसिप्लिन एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? लाइक ऐसा क्या है जो प्रैक्टिस एंड डिसिप्लिन हेल्प करता है एक यूपीएससी एस्पिरेंट को टू बी अ सक्सेसफुल सिविल सर्वेंट? अच्छा मैम, ये बताओ वो कौन सा एग्जाम है या वो कौन सा लाइफस्टाइल है जिसमें प्रैक्टिस और डिसिप्लिन रिक्वायर्ड नहीं है? सर एब्सोल्युटली आई एग्री. इवन मैं खुद की लाइफ में भी अगर पर्सनली बात करूँ, नॉट एज एन स्टूडेंट बट एज एन ह्यूमन भी, मुझे लगता है कि प्रैक्टिस और डिसिप्लिन तो चाहिए ही चाहिए. बट अगर एक यूपीएससी एस्पिरेंट प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? मेरे को ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए ही इम्पॉर्टेंट है. मुझे ऐसा लगता है हम सबके लिए लाइफ में ही इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिस एंड डिसिप्लिन. एक प्लेयर की अगर मैं बात करूँ तो उसकी लाइफ में भी प्रैक्टिस एंड डिसिप्लिन इम्पॉर्टेंट है. मैं स्टूडेंट्स को क्लास में एक एग्जाम्पल देता हूँ कि जिस दिन नीरज जो हमारे ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेके आए हैं, उन्होंने जब जैवलिन थ्रो किया था तो वो गोल्ड मेडल लेने के बाद ही उन्होंने ओलंपिक्स में बोल दिया था कि अब नेक्स्ट की तैयारी शुरू हो रही है. फिर उसके बाद वो कॉमनवेल्थ में भी गोल्ड मेडल लेके आए, तो उनकी प्रैक्टिस किसी से रुकी नहीं रही है. सो वो डिसिप्लिन्ड हैं, वो फोकस्ड हैं, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं. तो ऐसी एक यूपीएससी एस्पिरेंट है या कोई भी, मुझे 10th क्लास के एग्जाम देने हैं, मुझे 12th के एग्जाम देने हैं, आई ऑलवेज आस्क माई स्टूडेंट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन. यार एक इमेजिन करते हैं, हम सब लोग बैठे हुए हैं एक ही क्लास में, हम सब 10th क्लास में, एक स्कूल एक सेक्शन, सेम टीचर सेम बुक्स, और 10th के एग्जाम दिए, सबको मेडिकल क्यों नहीं मिल गया, सबको नॉन मेडिकल क्यों नहीं मिल गया? उन लोगों का कुछ डिफरेंट फोकस था, उन लोगों ने कुछ ज़्यादा डेडिकेशन रखी थी, तो या उनकी इंटरेस्ट या इंक्लिनेशन थी, सो वो लोग मेडिकल या नॉन मेडिकल में चले गए. नाउ सीन चेंज करते हैं, 11th क्लास में आ जाते हैं, सब लोग मेडिकल या नॉन मेडिकल के सेम सेक्शन में बैठे हैं, सबको सेम टीचर्स पढ़ा रहे हैं, ऑलमोस्ट हम सब कॉमन सी कोचिंग में चले जाते हैं, फिर सब आईआईटी या नीट क्वालिफाई क्यों नहीं करते? सो यूपीएससी तो एक पार्ट ऑफ द प्रोसेस है कि मुझे लाइफ में सक्सेसफुल बनना है. इसकी जर्नी तो बहुत जल्दी शुरू हो जाती है. एग्जैक्टली. तो मुझे नहीं लगता कि हमें सिर्फ प्रैक्टिस या फोकस या डेडिकेशन सिर्फ यूपीएससी के लिए चाहिए, ये लाइफ में हर चीज़ के लिए चाहिए. अग्री. पर सर, फॉर एग्जांपल बहुत ही जनरल क्वेश्चन मैं आपसे अगर पूछूं कि क्योंकि आजकल इतनी डिस्ट्रैक्शंस है राइट, तो बच्चों को रियल मीनिंग ऑफ डिसिप्लिन या रियल मीनिंग ऑफ प्रैक्टिस, मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा मीनिंग है तो दे आर नॉट श्योर कि मैं किस डायरेक्शन में आगे बढ़ूँ. तो अगर आप लेट्स से अगर डिसिप्लिन को आप अगर एक्सप्लेन करना चाहें इन अ राइट वे और प्रैक्टिस को भी बताना चाहें, तो क्या आप डिफाइन करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे? बहुत सिंपल डेफिनेशन है मैम, अगर हमें लाइफ में सक्सेसफुल बनना है. अच्छा मेरे हिसाब से ना कोई भी अनसक्सेसफुल तो नहीं है लाइफ में. आप या तो सक्सेसफुल हो या पे एक एवरेज लाइफ लीड कर रहे हो. अनसक्सेसफुल कोई नहीं है अनलेस यू हैव डिसाइडेड टू फेल इन लाइफ, अदरवाइज यू आर डेस्टिन्ड टू बी समवेयर राइट. इट इज़ नॉट दैट कि इट इज़ ओनली अबाउट बीइंग एन आईएएस ऑफिसर और एन आईपीएस ऑफिसर, इट इज़ अबाउट वर्किंग इन एनी कैपेसिटी. इफ आई एम एज अ टीचर लुकिंग एट माई सेल्फ इन लास्ट 22 ईयर्स, आई डोंट थिंक दैट आई एम नॉट सक्सेसफुल. इफ यू आर टूडे टेकिंग एन इंटरव्यू विद मी एंड यू आर डूइंग दिस जॉब इन अ वेरी फैबुलस मैनर, so even you are successful in life right. Now coming to the point, we all, you, me and everybody, we all have 24 hours in our day right. So nobody is an exception to this universal rule. Now 8 hours are meant to sleep right, for a healthy sleep, and 8 hours are meant for our day to day work, in which if I am a student I am going to my college, or if I am doing some job I am in my office, it can be 8 hours, it can be 9 hours, it can be 10 hours. Beyond 10 hours if you are working, so you are not working, you are a slave right. So up to 10 hours it's a working culture, which is though not required, but then it's okay. 10 hours
राइट. रिसेंटली मिस्टर मूर्ति ऑल्सो सेड दिस इन फॉसिस हेड दैट 10 hours वर्क कल्चर 7 days अ वीक परहैप्स समथिंग दो इट इज नॉट समथिंग दैट इट इज रिक्वायर्ड राइट. बट ओके सो इफ यू आर वर्किंग फॉर 10 hours यू आर ईटिंग फॉर 8 hours स्लीपिंग फॉर 8 hours सो वाइल वी आर वर्किंग और वी आर गोइंग टू कॉलेज आई डोंट थिंक वी आर टोटली इन टू वर्क और टोटली इन टू स्टडीज वी आर सोशलाइजिंग. We are talking to people, we are looking into our mobile, we are going on Insta, we are like, you know, checking our Facebook or on Twitter, whatever we are inclined towards. Now, if my 18 hours of the day are gone in this, let's keep at least one and a half hour for traveling and me time kind of thing. While I'm traveling, I can listen to my favorite song or I can talk to somebody on phone, right? Thanks to the technology, hands-free, mobile, Bluetooth and everything. Now I'm left with 5 hours in my day, 4.5 to 5 hours. This is the life of the toughest kind, right? So if I'm left with 5 hours, now I need to focus on these 5 hours. Right. If I can focus on them and make it a habit, a discipline that I will study for these 5 hours. So I suppose these things are sorted in life. So it's kind of a promise to your own self that, okay, this 1 hour is for me, this 5 hours for study. So this is what discipline is all about. Now you said you are 24, so you have recently graduated or post-graduated. Yeah. So let's go back into your college time and I would like every student to just remember the few days of the college, right? So out of the 365 days in a calendar year, how many days the college actually works? So don't ask me, literally. And anyone? With all the summer breaks and the winter breaks and the autumn breaks and then the strikes and then the mass bunks and functions and all and functions and everything, how many days the college genuinely works out of 365 days? Sir, I think let's say 100 days at least. Let's keep it 165 days. Okay, huh, so 200 days are not meant for the college. So those 8 hours that I left for my college on day-to-day basis, where are those 8 hours going in our life? Exactly. On those 200 days. So the investment of time, right? That's the key to success. If I know how to manage my time, if I can plan the things in advance, and if I can, you know, incentivize the planning. So I give you my personal example. While we were to start with this, you asked me my hobby. So I do listen to music before I sleep, and I would like to listen to a qawwali or two before I sleep, and that is like kind of my soul feeding. So I can sleep a better in a better way if I listen to a qawwali. So if on a given day I fall short of my task, I'm not able to, you know, complete the task list that I have prepared for myself for the day, I will punish myself. I will not listen to music that night. Okay. So that will keep me a little disturbed in the sleep. But yes, I will be craving for it next day more. So I will finish my task. Rather, I will try to, you know, do an extra effort, go for an extra mile so that I can finish the backlog of the yesterday. And now I have more time, so I can listen to more qawwalis, because before going to bed, I can start listening to my own music at least 10 minutes before. Okay. So that way I can incentivize myself. I will never punish myself that I will not eat or I will not do my favorite thing of, you know, which is required for day-to-day life. But yes, I will punish myself in some way. So that my mind should recall me and remind me that, yes, I have to finish the task. All right. That's interesting, sir. So is there anything that, okay, for the daily tasks, let's say you have selected some of the tasks and you completed it. And let's say you have done one more extra task. So is there any, you know, reward you give to yourself? Yeah. The best thing for a person is to spend time with family. Okay. So I will spend some extra time with my wife, my daughters, my mother, so that I can justify my role as a husband, as a father, and as a son. All right. And if I could do this consistently for a week, now I have extra time. I can meet my sister. I can meet my cousins. If I have done little more extra this week, so I can keep Sunday off for my friends. Okay. So it refreshes your soul to work again, right? Exactly. That's great, sir. So let's say, jaise aapne bola ki aap apne music sunte hain, hana, these are the things that keep you refreshed. अगर यूपीएससी ट्रेनिंग प्रोसेस में जब आप पढ़ाते हैं तो कौन सी तीन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं फॉर अ स्टूडेंट, लाइक जैसे अभी आपने डिसिप्लिन और प्रैक्टिस की बात की, अपार्ट फ्रॉम दीज टू थिंग्स आप कौन सी तीन चीज़ें एक स्टूडेंट में इनबिल्ट करना चाहते हैं जो उनको यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए के तौर पर तो सक्सेसफुल करेगा ही बट एज एन ह्यूमन भी सक्सेसफुल करेगा? सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये रहेगी कि व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम स्टार्ट इनकल्केटिंग अ हैबिट वेयर यू हैव सम काइंड ऑफ एम्पैथेटिक outlook towards the peer group that you have. So if somebody is falling short of his or her task, you should be there to guide them and help them. If you start inculcating this habit from the start, now once you become a civil servant,
यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू सर्व दिस सोसाइटी विद दैट सेम कमिटमेंट एंड दैट यू नो एलिमेंट ऑफ दैट जनरोसिटी आई वुड यूज द वर्ड और दैट एम्पैथी फॉर द सोसाइटी इट विल कंटिन्यू टू ग्रो सो वी विल गेट गुड सिविल सर्वेंट्स कमिटेड टू द सोशल कॉज टू द डेवलपमेंट ऑफ दिस सोसाइटी दिस इज वन नंबर टू बी ऑनेस्ट राइट दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑनेस्टी शुड नॉट बी सेक्रीफाइस्ड एट एनी कॉस्ट एंड नंबर थ्री यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी बिलोंग टू अ वेरी वेरी अ कंट्री विच हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री एंड अ ग्रेट सिविलाइजेशनल वैल्यू वी नीड टू यू नो नॉरिश एंड चेरिश द सिविलाइजेशनल वैल्यूज दैट वी हैव गॉट वी हैव इनहेरिटेड फ्रॉम आर कल्चर आर सिविलाइजेशन एंड वी शुड फॉस्टर द सेम फीलिंग्स थ्रू एंड थ्रू सो दीज आर द थ्री थिंग्स दैट आई वुड लाइक दैम टू इंकल्केट इन देयर पर्सनैलिटी इफ दे आर ऑलरेडी फोकस्ड एंड इफ दे आर ऑलरेडी कमिटेड टू द हार्ड वर्क दैट इज रिक्वायर्ड These are the only three things that come to my mind whenever I interact with my students. That's beautiful, sir. Like for the last point, I would like to include that Swami Dayananda used to say, "Na, go back to Vedas and know your own culture, know your own country." So you wanted the students to know the actual root of our country. Yes, that's great, sir. Thank you so much. And let's move ahead. And I wanted to ask ki UPSC students, jab exam clear kar lete hain, to unki top choices usually kya rehti hai? Like jaise IAS, IPS, bahut zyada jo top ranks hote hain. To unki top choices kya rehti hai usually? Usually to IAS hi rehti hai sab logon ki because that gives you a very wide platform to, you know, serve the society, serve the system, right? Then few people have that craze for that uniform, khaki. So they prefer IPS, right? And few have that zeal to serve India overseas, so they go for IFS. But I suppose IAS is the most preferred and most sought after services. Okay. So most of the students will obviously go for them. And we have seen in the past, from the very start though, if you have not got your selected with IAS as your designation, so you are always appearing again to improve your ranks. Okay. So many students who are going for their training in Sardar Patel Academy in Hyderabad for IPS. Many of them appear again so that they can become IAS officer. Oh, that's interesting, sir. And apart from these top three services like IPS, IAS, and let's say IFS, apart from these top ranks, what are the other options that students can you know opt for? There are so many services. Revenue services, within the revenue services you have income tax, you have GST, and then there are audit and account services, defense audit and account services. There are like more than 20 fields to select from, but the most sought after will always remain the IAS. IAS and IPS. बचपन से सुना था ना DC. Exactly. तो वो DC बनने की जो इच्छा है या जो SSP बनने की SP बनने की इच्छा है वो बहुत प्रबल है. तो बहुत सारे students में ये रहता है. अभी अगर हम पंजाबी कल्चर की बात करें तो बहुत सारे गानों में भी आप सुनते हो डीसी वर्ड है ना, डीसी लग गया छोरा है ना सर, हरियाणवी सॉन्ग्स में भी, राइट? तो डीसी इज समथिंग लाइक बिग थिंग. वो जो स्टार्स लगे हैं वो तो एसपी हो गया, डीसी इज सिविल एडमिनिस्ट्रेशन. बट हैविंग सेड दैट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि एक जो डीसी जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी हो जाते हैं वो, तो उनके पास ना इमेंस अथॉरिटी आ जाती है. और जब आपके पास इतनी अथॉरिटी, इतनी पावर आती है, तो वो जो स्पाइडरमैन कहता है विद पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है. आपका एक सिग्नेचर लाखों लोगों की, हज़ारों लोगों की लाइफ में बहुत बड़ा चेंज ला सकता है, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है. अगर हम बात करें सिविल सर्वेंट्स की, पर्टिकुलरली IAS IPS की, तो जब ये कोविड टाइम आया, सो वी सॉ द डॉक्टर्स एज वेल एज दीज सिविल सर्वेंट्स प्लेइंग द रोल ऑफ फ्रंटलाइन वॉरियर्स. तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं. आम आदमी बहुत बार ये समझ भी नहीं पाता, सोच भी नहीं पाता. बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं है कि एक IAS ऑफिसर किस तरह से काम करता है, क्या क्या सोचता है, उसको क्या क्या अपने दिमाग में रखना है. अब लेट्स टेक एन एग्जांपल, यू आर अ डिप्टी कमिश्नर इन अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, तो न्यूज़ आ जाती है कि कोविड आउटब्रेक हो रहा है. सो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होंगी? आपको पुलिस को चैनलाइज करना है कि वो लॉकडाउन को इंश्योर करें. आपको इंश्योर करना है कि एसेंशियल कमोडिटीज़ लोगों तक पहुंच जाएं. आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के डॉक्टर्स को अलाइन करना है और उनसे पूछना है क्या रिक्वायर्ड मेडिसन्स, ऑक्सीजन सब अवेलेबल है, नहीं तो आपको अरेंज करवाना है. सो यू आर द नोडल ऑफिसर, राइट? तो इतना इमेंस रोल है, इतना इमेंस रोल है, और इतना प्लेटफॉर्म बड़ा हो जाता है लाइफ में व्हेन यू बिकम एन IAS. आज आप डिप्टी कमिश्नर हो एक डिस्ट्रिक्ट में,
कल आप सेक्टरी एजुकेशन बन जाओगे, आप जहाँ भी जाओगे आप उस पोजीशन में हो जहाँ पे आप पॉलिसी फॉर्मुलेशन में भी रोल प्ले करोगे और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में भी जी। हम मूवीज देखते हैं, हम रियल लाइफ के कुछ इंस्टेंसेस पढ़ते हैं, हम सुनते हैं कि पॉलिटिशियंस का बड़ा प्रेशर रहता है। नो डिनाइंग द फैक्ट कि पॉलिटिशियंस का इन्फ्लुएंस रहता है, बट एज एन आईएएस ऑफिसर आपके पास एक इम्यूनिटी रहती है, आपके पास एक यू नो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी रहती है वेयर यू कैन ऑल्सो गाइड देम कि सर दीज आइडियाज विच अ पॉलिटिशियन इज कमिंग अप विद बिकॉज ऑफ पॉपुलिस्ट पॉलिसीज की वोट बैंक पॉलिटिक्स होती है, तो आप उनको गाइड करते हो कि सर ये फिजिबल रहेंगे या नहीं रहेंगे। पॉलिटिशियंस तो 5 साल में बदल भी जाएंगे जी। पर अगर आप एक बार सिविल सर्विस में आ गए तो 30 ईयर्स की आपकी सर्विस है। Exactly. आपको वो कॉन्टिन्यूटी बना के रखनी है सर्विसेज में, सिस्टम में। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि सिविल सर्वेंट्स जो हैं वो अनबायस्ड हों और अपोलिटिसाइज्ड हों, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन न रखते हों। इसीलिए सिविल सर्विसेज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है न्यूट्रैलिटी। तो अगर आप वो एक न्यूट्रल सिविल सर्वेंट बनते हो, देखो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, 10 साल से वो हैं, अभी इलेक्शंस ड्यू हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो अगर आप आईएएस ऑफिसर हो तो आप प्रधानमंत्री के ऑर्डर्स ले रहे हो, आप किसी एक इंडिविजुअल के ऑर्डर्स नहीं ले रहे हो। कल को वो प्रधानमंत्री हैं तो आप उनके ऑर्डर लोगे, उनकी जगह कोई और प्रधानमंत्री होंगे आप उनके ऑर्डर्स लोगे, राइट? और वो प्रधानमंत्री कौन है? बहुत सारे लोग ना इस चीज को समझते नहीं, उनको लगता है पॉलिटिशियंस बस वैसे ही आगे कहीं से। एक प्रधानमंत्री या एक मुख्यमंत्री का मतलब क्या होता है? मैं एक सिविल सर्वेंट हूँ और मेरे को क्यों सिविल सर्वेंट बनाया गया कि मैं लोगों की सेवा करूँ, भारत के लोगों की। और इन्हीं भारत के लोगों को भारत भाग्य विधाता बना दिया कि अब आप 140 करोड़ लोग तो रोज पार्लियामेंट नहीं जाओगे, रोज आप इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस पे डिस्कशंस भी नहीं करोगे, वी आर बिजी इन आर ओन लाइफ। तो हमें एक प्रोविजन क्रिएट करके दिया गया कि चलो आप अपने बिहाफ पे अपने MPs और MLAs चुन लो। तो एक MP जो पार्लियामेंट में जाके बैठता है उसको रफली कोई 10-15-20-30 लाख लोग वोट देके भेजते हैं, उसके पास मेजोरिटी वोट होती है, वो जीतता है। तो अगर 20 लाख लोगों के वोट एक MP के साथ हैं तो इनको कम से कम उस 20 लाख में से 7-8 लाख तो मिले होंगे ना, क्योंकि हमारे यहाँ पे मल्टी मेंबर्स आ जाते हैं, मल्टीपल मेंबर्स कॉन्टेस्ट करते हैं इलेक्शन, तो जो जीतता है उसको 30%, 40% पर उसके पास सबसे बड़ा शेयर होता है वोट्स का। अब वो जब पार्लियामेंट में बैठा है तो वो अकेला थोड़ा बैठा है, उन 20 लाख लोगों का प्रतिनिधि कर रहा है, राइट? ही इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 2 मिलियन पीपल, और इन्हीं 2 मिलियन पीपल को सर्व करने के लिए तो मैं आया था एज अ सिविल सर्वेंट। तो अब उस पॉलिटिशियन की बात तो मुझे सुननी पड़ेगी ना, और वी आर इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम, तो अगर हम उनकी बात सुनते हैं तो हम पर से उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, हम उनके वोटर्स की बात सुन रहे हैं। कि मतलब बेसिकली दोनों अपना अपना एक रोल प्ले करते हैं अपनी अपनी जगह। और जो सिविल सर्वेंट है ना उसके पास जो ये अथॉरिटी है, जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पब्लिक वेलफेयर इंश्योर करे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पावर है जी। अगर आप एक अच्छे सिविल सर्वेंट हो, अभी आप न्यूज़पेपर अगर पढ़ते हो तो आपने देखा होगा साउथ इंडिया में एक IAS ऑफिसर है जिन्होंने वाटर स्कर्सिटी के ऊपर इतना काम किया कि उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स ही सॉल्व कर दी जी, राइट? सो देयर आर सो मेनी सिविल सर्वेंट्स जो आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज लेके आते हैं जी। आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आ रहे हो, आप मेडिकल बैकग्राउंड से आ रहे हो, आप किसी भी फील्ड से आते हो, आप अपने हर इनोवेटिव आइडिया को ना केवल उस पेपर में दिखा पाओगे, आप अपने उन आइडियाज को प्रैक्टिकली सोसाइटी में रिफ्लेक्ट करवा दोगे। और क्रिएटिव वर्क भी ऐसा नहीं कि आपने पढ़ लिख के बस कुर्सी पे बैठ के, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत क्रिएटिविटी का स्कोप है और इससे ज्यादा तो स्कोप ही नहीं है। अब एक इमेजिन करते हैं, मैं टीचर हूँ तो मैं अगले 15-20 साल तक टीचर हूँ और पिछले 20 साल से टीचर, दैट इज इट, सेम सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। आप पॉडकास्ट के लिए यहाँ पर हैं, आप काफी समय तक पॉडकास्ट लेंगे, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, कल को आप थोड़ा ग्रो कर जाते हो, आप अपना एक नया चैनल बना देते हो, दैट्स द मैक्सिमम एंड द ऑप्टिमम। अगर आप IAS बन जाते हो, आज आप हेल्थ डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, कल आप उसके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट में आ जाते हो, फिर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में चले जाते हो, फिर आप ह्यूमन रिसोर्स में आ जाते हो, मतलब वेरियस फील्ड्स, yes. एक फील्ड, एक एक पोजीशन आप जिस डेजिग्नेशन पे बैठ रहे हैं वहां जाके भी आपके पास बहुत से कलर्स हैं जो आप और एक्सप्लोर करेंगे। और फिर आप ना एक सिंक्रेटिक एनर्जी क्रिएट करते हो कि जब मैं ह्यूमन रिसोर्स में था तो मैंने देखा कि इंडिया में स्किल्स की कमी है, स्कूल एजुकेशन में ये चीजें कम है, और अब आप लकीली HR से उठ के कोर एजुकेशन में आ जाते हो, हायर एजुकेशन में, तो आप वही स्किल सेट यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दोगे, राइट? और फिर आप जब हेल्थ सेक्टर में आओगे तो आपको पता होगा कि स्टूडेंट्स की नरिशमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है अर्ली एज में, तो आप वही स्कीम लेके आओगे ना, स्कूल में मिड डे मील स्कीम बनवा दोगे आप,
सो बहुत सारी चीजें ना जो आगे पॉलिटिशियंस आके बहुत बार क्लेम करते हैं कि मैं ये शुरू करता हूँ या मैं इसको लॉन्च करवा रहा हूँ, तो वो पीछे कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेटिक माइंड होता है, वो उनको बता रहे होते हैं कि यार इंडिया की जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है कि हमारे पास यूथ है, उस यूथ का क्या बेनिफिट होगा, 140 करोड़ लोगों में से अगर हम मान लें कि 40% लोग भी जो है वो हमारा यूथ है, प्राइम यूथ जो भारत का भविष्य बनाने वाला है, अब अगर वो सिंपल ग्रेजुएशन करके बैठ गया या फॉर दैट केस उसने इंजीनियरिंग भी कर ली है बट नॉट फ्रॉम द टॉप इंस्टीट्यूट्स, क्या करना उनका? क्या एक ऐसा स्टूडेंट जिसने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की है, क्या उसने C++, जावा, इनसे आगे जाके पाइथन के बारे में सोच लिया? क्या उसको पता था कि फ्यूचर इज ऑल अबाउट AI एंड रोबोटिक्स? क्या उसने वो स्किल्स एक्वायर की हैं? तो ये सब कुछ सोचना इस सोसाइटी के लिए ब्यूरोक्रेट्स का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है. तो जो ये स्किल डेवलपमेंट आता है, स्किल्ड इंडिया, राइट, ये स्वच्छ भारत जैसी चीज़ें चलती हैं, ये कहीं ना कहीं पॉलिटिशियंस को आइडियाज ब्यूरोक्रेट्स के थ्रू पहुंचते हैं. तो सर ये भी एक रीज़न हो सकता है कि एक तो इतनी ज़्यादा शिफ्टिंग होती रहती है हमारे ऑफिसर्स की कि आज इस डिपार्टमेंट में इस डिपार्टमेंट, ताकि उनको भी एक ओवरऑल व्यू मिलता रहे. एग्जैक्टली वो जो पैनोरमिक व्यू है वही तो हमारी सोसाइटी की डेवलपमेंट का रीज़न है. जी बहुत बार ना लोग बोलते हैं, जब हम बोलते हैं ना कि इंडिया डेवलप हो रहा है तो वो पूछते हैं वो कहाँ है डेवलपमेंट, है ना, करप्शन है, पॉवर्टी है, हंगर है, डिजीज़ है, नो डिनाइंग द फैक्ट, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बट हम कंपैरिजन किसके साथ करते हैं? जी अगर हम कंपैरिजन यूरोपियन नेशंस के साथ करते हैं तो वो तो कभी स्लेवरी में गई नहीं, दे हैव नेवर बीन कॉलोनाइज्ड. और अगर हम अमेरिका से बात करें तो अमेरिका 1776 में आज़ाद हो गया, हम 1947 में आज़ाद हो रहे हैं. सो अगर हम अभी हमारे 100 साल भी पूरे नहीं हुए, नहीं सर 100 साल तो नहीं हुए, है ना, और अमेरिका के जब 100 साल पूरे होते वो 1876 था, तो तब तो अमेरिका में भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी नहीं आया था. Exactly. और उससे कुछ साल पहले अगर हम जाएं तो अमेरिका में स्लेवरी जो थी वो लीगल थी, और उसको बैन करने के चक्कर में उन्होंने अपनी प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन का असैसिनेशन कर दिया था. सो वो सोसाइटी भी टर्मवाइल में थी. 1900 आते आते अमेरिका थोड़ा स्टेबलाइज हुआ है. जिस अमेरिका को आज हम देखते हैं बहुत ही बड़ी पावर, वो तो वर्ल्ड वॉर टू के बाद जब सुपर पावर बन के मर्ज हुआ कोल्ड वॉर के टाइम पे, वो अमेरिका है. तो अगर हम अमेरिका को वर्ल्ड वॉर वन के बाद देखते हैं तो वो 1920 आ गया. So 1776 to 1920, ये तो 150 years की जर्नी हो गई. बट अलॉन्ग विद दिस हम क्या भूल जाते हैं कि अमेरिका एक ऐसा देश है जिसका नेबरहुड कभी हॉस्टाइल था ही नहीं इतना ज़्यादा, राइट. जब अमेरिका एक्सपैंड कर रहा है या जब अमेरिका अपने आप को स्टेबलाइज कर रहा है तो 2-4 वॉर्स हुई हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हुई हैं, बट वो उनकी इनिशिएटिव वॉर्स थी. अनलाइक दैट हमारा नेबरहुड कितना हॉस्टाइल रहा है शुरू से. अभी हम 47 में आज़ाद हुए हैं, साथ ही पार्टीशन हो गई, पाकिस्तान बन गया ईस्ट में और वेस्ट में, और फिर 48 में कश्मीर की लड़ाई हो गई है, उसके बाद 62 में वी हैड टू फाइट अ वॉर विद चाइना, 65 में पाकिस्तान, 71 में फिर पाकिस्तान. इतना हॉस्टाइल नेबरहुड है. इस नेबरहुड का एक ही एजेंडा है कि इंडिया को डिस्टेबलाइज किया जाए, चाहे वो फेक करेंसीज भेजें, चाहे वो टेररिज्म करें, चाहे वो नार्को टेररिज्म करें, हजारों तरीकों से वो इंडिया को तंग कर रहा है, फिर भी हम ग्रो कर रहे हैं, फिर भी हम स्टेबल हैं. एग्जैक्टली तो ग्रोथ तो दिखती है. तो सर मतलब बेसिकली क्योंकि इतना ज़्यादा ऑब्वियसली मेरे को समझ आ रहा है कि मेंटली एक यूपीएससी एस्पिरेंट को या एक सिविल सर्वेंट को कितना स्ट्रांग होने की ज़रूरत है. तो क्या ये रीज़न है कि जो यूपीएससी सिलेबस है, मतलब ये पूरा जर्नी ही इस तरह से क्रिएट किया गया है ताकि एक स्टूडेंट जब एक सर्वेंट सिविल सर्वेंट बने तो वो इतना स्ट्रांग हो सके मेंटली, राइट? इसीलिए मैंने ये पूरी स्टोरी नरेट की कि आप हिस्ट्री पढ़ोगे, आप पॉलिटी पढ़ोगे, आप इकोनॉमी पढ़ोगे, आप ज्योग्राफी पढ़ोगे, आप कल्चर पढ़ोगे इंडिया का. मैं पंजाब से हूँ, कल को मेरे को लेट्स से जैसे मेरे एक स्टूडेंट हैं मिस्टर जगपाल सिंह तनोवा, ही इज़ एन IPS ऑफिसर 2016 बैच, तो ही इज़ पोस्टेड इन मेघालय. सो नाउ ही इज़ स्पीकिंग द लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज, ही कैन इंटरेक्ट विद द कॉमन पीपल, ही अंडरस्टैंड द लोकल कल्चर. सो ऐसी कोई साउथ इंडिया से अगर पंजाब में आ जाए तो ही हैज़ टू स्पीक इन पंजाबी विद द लोकल पीपल. इतना जबरदस्त है कि आप जब वहां जाओगे तो आपको उस लोकल एरिया के ट्रेडिशंस भी पता होंगे, आपको उनका कल्चर भी पता होगा, आपको वहां की लोकल पॉलिटिकल एस्पिरेशंस भी पता होंगे, इकोनॉमिक बॉटलनेक्स भी पता होंगे. अब अगर मुझे आज आप भेजते हो नागालैंड में तो मुझे पता होगा ना नागास की क्या प्रॉब्लम है, राइट, वहां पे क्यों टर्मोइल है, वहां पे सोसाइटी में क्यों अनरेस्ट है. तो मैं अकॉर्डिंगली अगर पॉलिसीज फॉर्मुलेट कर पाऊंगा तो मैं पीस अकॉर्ड्स करवा दूंगा. तो मतलब सर जितना बेसिक आप पढ़ के जाओगे, लाइक प्रीलिम्स मेंस, आप इतना पढ़ के जा रहे हो तो कहीं ना कहीं वो चीज आपको हेल्प करेगी कि आप ग्राउंड लेवल की रियलिटी देखो और फिर जो आपने पढ़ा हुआ है देन यू कनेक्ट द डॉट्स, राइट. एग्जैक्टली. और अगर कोई बाय चांस IAS नहीं भी बनता
तो नॉलेज तो कहीं नहीं जा रही, वो तो आपके साथ ट्रैवल करेगी थ्रू आउट द लाइफ और वो कहीं ना कहीं रीपे करेगी। आप किसी भी डोमेन में सोच लो, आप बैंकिंग सेक्टर में ही आ गए हो, आपने जितने अच्छे से इकोनॉमी को पढ़ा हुआ था, अगर आप अच्छी पोस्ट पे आ रहे हो तो आप सारी पॉलिसीज को समझते हो, आप आरबीआई की गाइडलाइंस को फोर्सी कर सकते हो कि अभी रिसेंट टाइम्स में कुछ ऐसा चेंज होगा, राइट? इन्फ्लेशन बढ़ रही है या कम हो रही है, ग्लोबल ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, आप सेबी में बैठे हो आपको समझ आ रहा है कि शेयर मार्केट में क्या हो रहा है। तो ये एक ऐसी तैयारी है जो आपको डाइवर्स फील्ड्स के लिए तैयार करती है। और जब आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हो ना, तो एक सबसे बढ़िया चीज़ क्या होती है, आप पहली बार ये रियलाइज़ करते हो कि आईएएस के अलावा इतनी सारी और ऑप्शंस हैं, इतनी सारी और सर्विसेज हैं और इतनी सारी और विस्टाज हैं जहाँ पे आप जाओ और अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करो। तो सर कभी ऐसा हुआ है कि फॉर एग्जांपल आपके स्टूडेंट्स की बात करें कि कोई आईएएस बनने आया है और वो पढ़ते पढ़ते उसको रियलाइज़ हुआ कि नहीं मेरा शायद फॉरेन सर्विसेज में इंटरेस्ट है एंड आई वांट टू बी एन आईएफएस ऑफिसर, सो व्हाई? ऐसा तो बहुत, ये तो बहुत ही होता है, ये तो बहुत कॉमन चीज है। मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। एक मेरे स्टूडेंट हैं मिस्टर हरप्रीत, तो वो आईएएस की तैयारी कर रहे थे। नाउ दैट ही अपीयर्ड फॉर द एग्जाम, ही कुडंट क्लियर इट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, बट देन देर आर पीपल हु आर सोली डेडिकेटेड टू दिस और वो बहुत लाइफ का टाइम इस पर निकाल देते हैं, जो मुझे पर्सनली भी गलत लगता है कि आप 30 साल तक सिर्फ सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, आपने अपना फ्यूचर एट स्टेक किया हुआ है। एंड अनफॉर्चुनेटली कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, आईएएस की तो बात ही नहीं करते, अगर कोई एक क्लैरिकल जॉब का एग्जाम भी है तो उसमें भी क्या सक्सेस गारंटेड है, राइट? वहाँ पर भी कॉम्पिटिशन है। तो अगर अब हम बात करें कि हरप्रीत जी की, तो उन्होंने एक अटैम्प्ट दिया, नहीं हुआ, तो इतने में यूपीएससी एक और एग्जाम करती है सीएपीएफ, राइट? सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज, उन्होंने वो एग्जाम दे दिया एंड ही गॉट सेलेक्टेड एज असिस्टेंट कमांडेंट, वो भी क्लास वन पोस्ट है। तो वो चले गए उसमें सीएपीएफ में, बीएसएफ में उनकी पोस्टिंग हो गई। अब जब वो वहाँ पे पोस्टेड थे, सिलेबस तो कंप्लीट हो चुका है, तो वो अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे हैं। अब कंटिन्यू करते करते 2 साल में उन्होंने दोबारा देखा कि अब मैं फिट हूँ, उन्होंने फिर से एग्जाम दे दिया। नाउ ही इज ऑल इंडिया रैंक 19 पंजाब कैडर आईएएस ऑफिसर। मेरे को ऐसा लगता है कि हमें ना अपने देश में अभी ना, आजकल एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज चल रही है, देर इज समवन इन द नीति आयोग, थिंक टैंक है जो हमारा, उन्होंने बोला कि यार यूथ बहुत ही मिसअलाइंड हो गया है और बहुत लाइक एक ही काम पकड़ा हुआ, सबने यूपीएससी की तैयारी और अपना सारा टैलेंट उसी में डाल दिया और वेस्ट कर रहे हैं टाइम एनर्जी और कोई बहुत बढ़िया चीज नहीं कर रहे हैं। तो इसके पीछे कारण ये है कि जो अवेयरनेस होनी चाहिए थी फॉर सिविल सर्विसेज, वो आई बहुत लेट। मैंने ग्रेजुएशन कर ली, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली और अब मैं सिविल सर्विसेज के बारे में सोच रहा हूँ। सो इफ़ आई स्टार्ट थिंकिंग एट 24, तो 2 साल की तो तैयारी है मिनिमम, तो 26-27 साल तो वैसे ही हो गए। अब एक अटैम्प्ट देकर तो मैं भागूंगा भी नहीं, अगर मैंने 2 साल दिए हैं तो मैं एक अटैम्प्ट और भी दूंगा, तो 28-29 साल तक वैसे ही पहुंच जाता है इंसान। व्हाई नॉट दिस सिस्टम टेल्स द स्टूडेंट्स कि भाई तुम्हें ना ग्रेजुएशन के जो 3-4 साल मिलते हैं, अंडर ग्रेड जिसे हम बोलते हैं, क्या ही कर रहे हैं उस टाइम पे? कहाँ वो टाइम वेस्ट हो रहा है? कितना टाइम रील्स देख देख के हंसते जा रहे हैं और अपने फ्यूचर को खुद पे हंसने का मौका देते जा रहे हैं। तो अगर आज ही हम डिसाइड कर लें, और फिर ना इसके साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सुना होगा कि मैं 12 घंटे पढ़ता हूँ, मैं 13 घंटे पढ़ता हूँ, मैं 15 घंटे पढ़ता हूँ। ह्यूमनली ये पॉसिबल नहीं है कि कोई 12-13 घंटे रोज लगातार 1-1.5 साल तक पढ़ दे, इम्पॉसिबल जैसी चीज़ है। पढ़ सकते हैं 2-3 महीने पढ़ सकते हैं, प्री से पहले 2 महीने, मेन से पहले पढ़ सकते हैं। बट अब अगर हम इसको ऐसे देखें कि मैं फर्स्ट ईयर अंडरग्रेड कोर्स में था और मैं हर रोज 4 घंटे पढ़ता हूँ, फिर मैं सेकंड ईयर में भी 4 घंटे पढ़ता हूँ, मैं थर्ड ईयर में भी 4 घंटे पढ़ता हूँ, अब मेरी तैयारी हो चुकी है, ग्रेजुएशन के पेपर दे दिए, अब मेरा प्री है 2 महीने, अब मैं 10 घंटे भी पढ़ लेता हूँ 2 महीने, फिर मैं प्री के बाद का जो टाइम होता है उसमें भी 10-12 घंटे लगा लेता हूँ कंसिस्टेंटली, क्योंकि सारा सिलेबस रिवाइज करना है। बट अगर मैं वो 4-4-4 अब याद करूँ तो हाँ, मैं 12 घंटे पढ़ा था। मुझे 12 घंटे पढ़ना पड़ा था, पर मैंने उसको स्मार्टली यूज किया था कि मैं एक दिन में 12 घंटे पढ़ने के बजाय 3 साल उसको 4-4 घंटे पढ़ा। जब मैं फर्स्ट ईयर में था ना, मैं 4 घंटे पढ़ता था, देन आई रियलाइज मेरा इंटरेस्ट भी बन गया, मुझे चीज़ें समझ भी आ रही हैं और मैं इसको इंजॉय भी कर रहा हूँ। सेकेंड ईयर में मैं उसको शायद 5 घंटे पढ़ दूंगा, थर्ड ईयर में शायद अब मैं 6 आवर्स पढ़ूंगा, क्योंकि मैंने देख लिया यार कॉलेज में तो टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है, रोज़ लेक्चर भी नहीं होते हैं और इतना हम सीरियसली लेते भी नहीं है, जब तक एग्जाम डेट शीट ना आ जाए किताब भी नहीं उठाते हम तो कॉलेज की। और ये हम सबके साथ हुआ है, जो जो आज इसको देख रहा होगा सबको याद आएगा। तभी आपने मेरे से भी पूछा, बिकॉज़ यू हैव फेल्ट द सेम थिंग, राइट? तो अब क्या होता है कि अगर मैंने 4, 5 और 6 घंटे पढ़ा तो एवरेज पे वो 5 घंटे हो गया 3 साल का, तो अब तो मैं रोज 15 घंटे पढ़ा। अब मेरे 15 घंटे किसी दूसरे के 1 साल के 12 घंटे से तो वैसे ही 3 घंटे ज्यादा हो गए रोज के। और अगर ये पूरा 1 साल था
तो मैं उससे 1000 घंटे ज्यादा पढ़ा। राइट, तो मतलब क्वालिटी स्टडी करो रादर देन क्वांटिटी स्टडी। एग्जैक्टली, और इसको ना एक प्रोसेस बना दो कि अभी 4 घंटे पढ़ते हैं, फिर इसको 4.5 घंटे करेंगे, फिर 5 घंटे करेंगे। और इसमें भी एक एंगल है बहुत इंपॉर्टेंट, आज मैंने हिस्ट्री पढ़नी शुरू की या पॉलिटी या ज्योग्राफी कुछ भी पढ़ा, अगर मैंने 1 महीना पढ़ के उसको छोड़ दिया तो मैं भूल जाऊंगा। तो अभी मैंने 3 घंटे पॉलिटी पढ़नी शुरू की थी, 1 महीने में पॉलिटी खत्म की है, तो बट नेचुरल अगले महीने मुझे 3.5 घंटे पढ़ लेना चाहिए, जो 3 घंटे में नए में मैं अब इकोनॉमी पढ़ रहा हूँ तो अगले आधे घंटे में मैं अपनी पॉलिटी रिवाइज कर लूँ। राइट, फिर जब मेरी पॉलिटी और इकोनॉमी दो चीज़ खत्म हो गई हैं, अब मुझे 4 घंटे कर ही देने चाहिए ना, मुझे दो चीज़ें रिवाइज करनी है आधा आधा घंटा। राइट, और जब मैंने किसी एक सब्जेक्ट को 2 या 3 बार रिवाइज कर दिया, उसको अंडरलाइन कर दिया, हाईलाइट कर दिया कि ये की पॉइंट्स हैं, अब मुझे 15 मिनट चाहिए डेली रिवाइज करने के लिए। सो एक कॉन्स्टेंट रिविजन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो कुछ टाइम के बाद आप भूल जाओगे, फिर याद करोगे यार वो 1940 में हुआ था कि 41 में हुआ था, पढ़ा था याद नहीं आ रहा, 41 में हुआ था इंडिविजुअल सत्याग्रह कि 40 में हुआ था, अच्छा 40 में हुआ था। राइट, तो मतलब स्टार्टिंग में जो हमने बात की कि प्रैक्टिस और हमारी डिसिप्लिन के साथ साथ राइट कंसिस्टेंसी भी जरूरी है। एग्जैक्टली, ओके, तो सर अभी जिस अभी आप बात कर रहे थे अवेयरनेस को लेके, तो मैं आपसे अगर मैं बात करूं कि आपसे अगर मैं पूछूं कि ऐसी कौन सी 2 चीजें हैं जो आप यूपीएससी प्रोसेस में एक तो ऐड करना चाहेंगे पहला, और दूसरा जो आप रिमूव करना चाहेंगे, दो चीजें जो आप रिमूव करना चाहेंगे और 2 चीजें जो आप ऐड करना चाहेंगे। मैम मेरे को लगता है ये प्रोसेस इतना ब्यूटीफुल है जी, इसको टेंपर करना ही नहीं चाहिए, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही साइंटिफिक प्रोसेस है और बहुत ही सोच के बनाया गया प्रोसेस है। एक चीज चल रही है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट रिमूव करके जीएस के पेपर्स में कुछ कंपोनेंट्स बढ़ा दिए जाएं। यस, इट कैन क्रिएट अ लेवल प्ले फील्ड फॉर द स्टूडेंट्स, सो दिस कैन बी वन ऑफ द थिंग्स कि ऑप्शनल की जगह जीएस में कुछ कंपोनेंट्स बढ़ा दिए जाएं, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन लीगैलिटी को थोड़ा ऐड कर दिया जाए। बट देन मेनी पीपल विल डिसएग्री विद दिस कि ये उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट बैकग्राउंड स्टूडेंट्स को एज देंगे, जिन्होंने पब्लिक एड पढ़ा हुआ है या जिन्होंने लॉ पढ़ा हुआ है उनको एज मिल जाएगा, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से मेडिसिन बैकग्राउंड से आएंगे उनके साथ थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। कुछ लोग ये बोलेंगे डिस्क्रिमिनेशन अभी भी होता है जब आप सी सैट कंपलसरी कर देते हो, उसमें मैथ मेंटल एबिलिटी और इंग्लिश डाल देते हो, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनका इंग्लिश पे होल्ड नहीं है, जो मैथ में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है। सो यू विल ऑलवेज फाइंड पीपल हैविंग यू नो कंप्लेंट्स अगेंस्ट इट। और अगर इससे ना एक चीज़ और समझनी चाहिए, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो या पॉलिटिक्स हो, लेट्स इमेजिन कि अभी हम 2 लोग आम भारतीय की तरह यहाँ बैठ के आज बात कर रहे हैं, अभी रिजल्ट आए और हम दोनों में से कोई एक आईएएस बन जाए जी, सो कौन से सुपर पावर्स लेके आओगे आप साथ के साथ? सर मैं सुपर पावर्स कि आप सारी प्रॉब्लम्स एक साथ सॉल्व कर दो। एग्जैक्टली, तो right. कोई पावर नहीं है तो ऐसी कोई पावर किसी एक पॉलिटिशियन के पास भी नहीं है कि अगर वो आज प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन गए तो इस राज्य की या इस देश की सारी समस्याएं आज ही खत्म कर दे, ये कैसे होगा? मतलब वो फैंटेसी नहीं है, बी रियल ना। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात करते हैं, हम सब ना सिस्टम बहुत बहुत एलिगेशन लगाते हैं कि हम टैक्स क्यों पे करें, हमें क्या फायदा होता है, बस यहीं से सिस्टम खराब होना शुरू हो जाता है। चाहे मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, चाहे मैं प्रेसिडेंट हूँ, चाहे मैं कोई भी हूँ, मैं अपने घर से पैसा लेके नहीं देश ला सकता, मेरे पास इतना है ही नहीं। उस बात पे अभी बाद में आ भी जाएंगे कि करप्शन क्या है, लेकिन हाँ अगर सिस्टम को रन करना है एफिशिएंटली तो रिसोर्सेज सिस्टम को ही जनरेट करने, जिसे हम देश बोलते हैं, एक पॉलिटिकल सिस्टम है, हम सब इसके इक्वल पार्टिसिपेंट्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेबिलिटी हमें भी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर हमें भी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर हमें भी चाहिए। अब हम खुद तो सड़कें नहीं बना सकते, खुद हम सब पुलिस नहीं बन सकते, खुद हम सब जुडिशरी नहीं बन सकते, तो वो पूरा एक सिस्टम मैनेज करना है, उसके लिए किसी एक को हम टॉप पे बिठा रहे हैं। वो जो आदमी टॉप पे बैठ रहे हैं इस पूरे सिस्टम को मैनेज करने के लिए, उसको कुछ स्पेशल पावर्स, कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस तो देने ही पड़ेंगे। अगर एज अ बॉस मैं अपने ऑफिस में आता हूँ तो मुझे कुछ स्पेशल पावर्स, कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस चाहिए कि मैं रूल्स बनाऊंगा, और मैं रूल्स कब बनाऊंगा जब मुझे लगेगा कि पिछले रूल्स में कुछ अमेंडमेंट की जरूरत है। राइट, हो सकता है किसी टाइम पे अब्यूज ऑफ पावर हो, बट परहैप्स इन द लॉन्ग रन वो पता चले यार वो बहुत रिक्वायर्ड था। अच्छा आप एक चीज बताओ, कौन सा ऐसा एम्प्लॉई है जो अपने एम्प्लॉयर के हर डिसीजन से खुश होगा? सर ऑलमोस्ट नो वन, लाइक बहुत बार होता है ऐसे ही पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स के डिसीजन से पब्लिक इनिशियली कभी खुशी नहीं होगी, उनको हमेशा प्रॉब्लम्स रहेंगी। सर तो ये रीज़न क्या है? मतलब मैं इसी पे आने वाली थी एक्चुअली, कि एक होता है कंफर्ट जोन, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एज ए नागरिक हमें भी, हमारे भी ड्यूटीज़ हैं कि जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन हमारे को गाइड कर रहा है, जो वो हमें एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना चाहिए कि मे बी दिस इज नेसेसरी। आपको वो एक पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ, अर्ली मैन की बात से शुरू कर लेते हैं जी। तो अर्ली मैन के पास स्टेट नहीं थी,
स्टेट मींस ये पूरा पॉलिटिकल सिस्टम नहीं था. उस अर्ली मैन का अगर मर्डर हो जाए तो क्या करना? उसका सामान कोई छीन के ले गया, या तो वो खुद ब्रूटल फोर्स यूज करे उसको जाके मार दे, तो हुज लाइफ इज सेफ, हुज प्रॉपर्टी इज सेफ. तो किसी एक दिन उस अर्ली मैन को रियलाइजेशन होगी. हम वो ऐड देते थे ना मेंटोस, दिमाग में बत्ती जलती थी, तो वो हुई होगी रियलाइजेशन. तो उसने बोला होगा चलो किसी को पावर ट्रांसफर कर देते हैं. हम पॉलिटिकल साइंस में, सोशियोलॉजी सब्जेक्ट्स में सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पढ़ते हैं. तो लोगों ने डिसाइड किया चलो एक किसी को थोड़ी पावर देते हैं, वो सिस्टम को मैनेज करे. वो पावर्स क्यों दी गई? हमने उसको बोला यार एक ना अरिस्टोटल है, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, वो बोलते हैं स्टेट ओरिजिनेटेड इन द बेयर नीड्स ऑफ लाइफ. बिल्कुल बेसिक नेसेसिटीज को लाइफ ना उनमें से स्टेट का ओरिजन हुआ, बट इट कंटिन्यूज फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ. एक अच्छी जिंदगी हमें मिले, अच्छा जीवन मिले, इसके लिए राज्य का होना, स्टेट का होना अनिवार्य हो गया. कैसे हुआ? मैंने स्टेट को बोला मेरी लाइफ प्रोटेक्ट करो. किससे? लोगों से जो आपस में यू नो जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं. अब मैं बाइक पे जाता हूँ और मैं हेलमेट नहीं पहनता हूँ, रैश ड्राइव करता हूँ, या मैं किसी को मारूंगा या मैं मरूंगा, तो स्टेट को तो रूल एंड रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे. और जब, पड़ेगा. और जब हमें फील हुआ कि ये जो रूल्स हैं वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, देन वी कंटिन्यूअसली फॉलो, वी कंटिन्यूड देम. पर वो इनिशियली तो नहीं लगा होगा. राइट. आज एक नया रूल बन जाए कि आप इस इतने आवर्स के बाद एसीज नहीं चलाओगे, हमें बड़ा डिस्कम्फर्ट होगा. यार मेरा एसी है, मैं बिल पे करता हूँ, बट हम ये रियलाइज नहीं करते. एक शब्द है ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि क्या मेरे बच्चों के लिए बिजली होगी इसके बाद? क्या रिसोर्सेज जनरेट हो पाएंगे? टैक्स मैं पे नहीं करता हूँ, बिजली मुझे 24/7 चाहिए. उसके लिए बिल आधे लोग देंगे आधे नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने एजिटेशन करके अपने लिए फ्री पावर ले लिए. राइट. एंड आई एम नॉट टारगेटिंग एनी पर्टिकुलर कम्युनिटी और एनी पर्टिकुलर ग्रुप हेयर. इट्स नॉट अबाउट जस्ट वन पर्टिकुलर कम्युनिटी, बहुत सारे लोगों ने पावर फ्री ली हुई है. राइट. तो स्टेट कहाँ से जनरेट करे रिसोर्सेज? एग्जैक्टली. ऐसी रिजर्वेशन का इशू आ जाता है, हर आदमी उठ के खड़ा हो जाता है मुझे भी कोटा चाहिए. अब स्टेट क्या करे? एग्जैक्टली. हम ना स्टेट की जगह ना ऐसा सोचते हैं, घर में आ जाते हैं, हम सब एक परिवार में हैं, तो पिताजी के सामने 5 बच्चे खड़े हैं, सब अपने अपनी डिमांड कर रहे हैं, और सब ये बोल रहे हैं आप तो बाप हो ना, घर तो आप ही चलाओगे ना, तो मेरी सैलरी मत देखो, आप मुझे ये बताओ आप मुझे क्या दोगे? राइट. तो वसुधैव कुटुंबकम वाला जो वो कॉन्सेप्ट है, तो पिताजी कब तक चला लेंगे? और अगर पिताजी इस सिस्टम को चलाना चाहेंगे तो उनको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कंट्रोल भी रखना पड़ेगा रिसोर्सेज के ऊपर. फिर वो ये बोल सकते हैं ना कि हफ्ते में एक दिन ही घर पे हम पार्टी कर सकते हैं, हर रोज पार्टी नहीं हो सकती है. यहाँ अगर सबको पार्टी करनी है तो सब अपना अपना हिस्सा डाल दो, फिर हम रोज सेलिब्रेट करें. तो ऐसे हम सब नागरिक अपना टैक्स पूरा पे कर देते हैं, अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी ड्यूटीज जो है कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज ऑब्लिगेशन वो पूरी कर देते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन का स्टार्टिंग जो है ना बड़ा ही प्यारा, डॉक्टर अम्बेडकर ने बोला वी द पीपल ऑफ इंडिया. जैसे हम होंगे वैसे ही देश होगा, वैसे ही नेता होंगे. हम ही तो चूज कर रहे हैं, तो जिन कंसिडरेशन हम चूज करेंगे उन्हीं कंसिडरेशन वाले नेता आ जाएंगे और सिस्टम ऐसा ही बन जाएगा. जी, जैसा मुझे अपना घर बनवाना है मुझे वैसे ही अपना देश बनवाना है. सही बात है. गांधी जी बोलते थे हर आदमी बोलता है कि तुम बदलो, समाज बदले तो मैं भी बदल जाऊंगा. तो हर आदमी ऐसे ही एडमेंट बैठा हुआ है, दूसरे की वेट कर रहे हैं. स्टार्ट द चेंज फ्रॉम योर सेल्फ, बी द चेंज दैट यू वॉन्ट टू सी इन द वर्ल्ड अराउंड. पर फिर लोग बोलते हैं मैं क्यों करूँ, कि भाई अगला भी तो वैसे ही कर रहा है, वो जो भेड़ चाल लगी हुई है कि अच्छा वो नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूं. तो जिस दिन हम ये सारी बातें समझ जाएंगे उस दिन मुझे लगता है वो गुड सिविल सर्वेंट्स बनेंगे, जो सिलेक्ट नहीं होंगे वो एनलाइटेंड सिटीजन होंगे. और ये सिस्टम इतना ब्राइट इतना प्रॉस्परस बन जाएगा कि मुझे लगता है नहीं उसके बाद कोई कमी होगी. तो सर अभी जैसे आपने एक बात बड़ी प्यारी बोली थी कि लाइक हम इनिशियल स्टेजेस पे यूजुअली एक्सेप्ट नहीं करते चेंजेस, तो वो बेसिकली ये होता है कि हम अपने कंफर्ट जोन में है, लाइक एसी चल रहा है तो यार बंद हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी. तो वो वाली जो चीज़ है वो एक स्टूडेंट के साथ भी किसी ना किसी पॉइंट पे होती होगी कि यार मैं फेडअप हो गया हूँ पढ़ पढ़ के, हो नहीं रहा ये. तो वो जो एक कम्फर्ट जोन वाली बात आ जाती है कि चल यार 4 घंटे मेरी डेली की वो प्रैक्टिस है, अगले साल भी 4 घंटे ही पढ़ रहा हूँ. तो अपने आप का वो जो सिस्टम है वो कम्फर्ट जोन है वो ब्रेक करना कैसे हेल्पफुल होता है? उसके लिए मैं स्टूडेंट्स को क्लास में एक एग्जाम्पल देता हूँ. ड्रीम है कि ओलंपिक्स में जाना और स्विमिंग करनी और उसमें मेडल लेना, पर मैं पूल में उस दिन उतरूंगा जिस दिन मुझे स्विमिंग आती होगी, तो वो कैसे संभव है? तो पहले तो डेवल तो करना ही पड़ेगा ना. मैं बच्चों को बोलता हूँ यार नाक से पानी जाकर मुंह से अगर बाहर नहीं आया तो स्विमिंग नहीं आएगी. जी. और वो स्विमिंग को सीखने के लिए पहले हाथ पैर चलाने पड़ेंगे,
गोते खाने होंगे, है ना, वो पानी में, और धीरे धीरे स्विमिंग करनी आएगी. फिर अगर आ भी गई है तो रोज कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपना मोमेंटम बिल्ड करना पड़ेगा कि मैं रेस में जा पाऊँ, ओलंपिक्स तक क्वालिफाई कर पाऊँ. और उस दिन फाइनल एक रेस होगी, उस दिन हो सकता है यू आर बेटर स्विमर देन मी, पर उस दिन लकीली मैं फास्ट स्विम कर गया, मैंने उस दिन ज्यादा एनर्जी कहीं से प्रिजर्व की थी जो उस दिन यूज कर ली. तो दैट डजंट मीन कि आप अच्छे स्विमर नहीं हो. अगर आप आज यूपीएससी में सेलेक्ट नहीं हुए और आप इंटरव्यू में बाहर हो गए या मेंस में बाहर हो गए, दैट डजंट मीन कि आप इंटेलिजेंट नहीं हो. स्टॉप डाउटिंग योरसेल्फ. अगर आपने यूपीएससी की, देखो यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता क्या है, तैयारी ईमानदारी से होनी चाहिए. अगर तुम ईमानदारी से की थी तो नॉलेज तो लेके जा रहे हो, वो तो कहीं नहीं जा रही, और लाइफ में कुछ ना कुछ तो बनोगे फॉर श्योर, फेल तो नहीं हुए. और अगर ईमानदारी से तैयारी नहीं की थी फिर तो प्रोसेस में तुम पार्ट थे ही नहीं कभी भी. यू आर ऑलवेज परहैप्स यू नो ट्राइंग टू शो एज इफ यू आर रनिंग अहेड ऑफ द पर्सन हु इज कमिंग फर्स्ट. तुम उससे भी आगे भाग रहे थे, ये तो शो ऑफ है. तो वो तो कभी पॉसिबल ही नहीं है. जो फर्स्ट आएगा वो फर्स्ट है, उसके आगे कौन भागता है. तो मतलब वो ऑनेस्टी वाली बात जो आपने कही थी कि आप अपने स्टूडेंट्स में देखना चाहते हैं, ऑनेस्टी फॉर लाइफ भी है कि लाइफ और अपने काम के साथ ऑनेस्ट हो. ओके सर, अब जैसे इतनी इतनी सारी बातें आपने बताई और एक्चुअली मुझे भी डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं कि क्यों शुरू से ही वो सिलेबस इस तरह से बनाया हुआ है कि एक एक स्टेप पे बच्चा प्रिपेयर हो. तो प्रिलिम्स मेंस इसका तो जैसे लिखित सिलेबस होता है तो बच्चे पढ़ लेते हैं, लेकिन इंटरव्यू के लिए अगर बात करें तो अपार्ट फ्रॉम मॉक टेस्ट कैसे बच्चा अपनी डेली लाइफ में कौन सी हैबिट्स डालें जिससे वो इंटरव्यू के लिए ना थोड़ा सा प्रिपेयर रहे. ऑलरेडी कर चुके हैं वो सारी बात, है ना. वो ऑनेस्टी होनी चाहिए, वो नॉलेज होना चाहिए, वो एक्सप्रेशन होना चाहिए, वो कंपोज पर्सनैलिटी होनी चाहिए. अब जैसे मैं अभी कह रहा था ना, हम सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम सारे क्वेश्चन के आंसर भी नहीं दे सकते. और उस दिन इंटरव्यू में मेरे से क्वेश्चन पूछा जाए और मुझे उसका आंसर नहीं आता तो मैं फेक थोड़ा करूंगा, मुझे बोलना आई एम सॉरी सर. अब आई एम सॉरी सर मीन्स आई क्विट. और अगर मैं इतना ही बोल दूं आई एम सॉरी सर आई थिंक आई हैव टू रीड मोर अबाउट इट, तो इसका मतलब मेरी पर्सनैलिटी में एक्सेप्टेंस है कि अगर मुझे नहीं आता तो मैं और गेन करने के लिए तैयार हूँ. तो अगर आज वो मुझे सेलेक्ट कर भी लेंगे यूपीएससी में तो मैं तैयार हूँ ना. मैं लबासना में जाऊँगा, लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी में, मसूरी में, और वहाँ जाके फिर से पढ़ूंगा ना एडमिनिस्ट्रेशन के लिए. जी, तो आज वो किसको चूज कर रहे हैं, वो उसको चूज नहीं कर रहे जो बाय बर्थ आईएएस है, वो उसको चूज कर रहे हैं जो इस जॉब के लिए फिट है साइकोलॉजिकली भी. तो उसको उठा के वो लेके जाएंगे मसूरी में, उसको एक साल की फिट ट्रेनिंग देंगे और उस ट्रेनिंग के साथ उनके टेस्ट भी होंगे. अब उनकी पर्सनैलिटी अलाइन कर दी गई है फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, तो अब उनकी जॉब स्टार्ट होगी. तो स्टूडेंट ये सोचते हैं कि आज मुझे वो आंसर देना है जो एक आईएएस दे रहा है, वो आप कैसे दे पाओगे. राइट, ओके सर, एक क्वेश्चन पूछना है मुझे कि आप सिंस इतने सालों से आप पढ़ा रहे हैं, तो आपने कभी ऑब्जर्व किया कि कुछ ऐसे स्पेसिफिक स्टेट्स जहां से ज्यादा यूपीएससी एस्पिरेंट आपको आते हुए दिखे कि ओके पंजाब से ज्यादा आ रहे हैं. इसको लेके ना, इसको लेके ना एक स्टोरी भी है कि बिहार के बारे में, यूपी के बारे में, कि वहां पे इतना दबंग कल्चर रहता है और हर घर से एक पॉलिटिशियन, एक आईएएस और एक बदमाश निकल जाता है, है ना. तो ऐसा ना, देखो प्रचलन तो था किसी एक टाइम पर, बट अब ना हो क्या गया है, वो हर इंसान जो किसी भी स्टेट से है इंडिया की, अब कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे एजुकेशन सिस्टम थोड़ा कॉम्प्रोमाइज्ड है, ऐसी कोई भी स्टेट नहीं है जहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल फ्लॉलेस है. अगर हम केरला की बात भी करें तो अब इफ वी गो इन टू द विलेजेस, है ना, रिमोट विलेजेस, तो वहाँ भी कुछ ना कुछ कमियाँ तो होंगी. यूपी के कुछ बड़े शहरों में आ जाएं या बिहार के कुछ बड़े शहरों में आ जाएं तो अच्छे स्कूल होंगे, पर गांव में नहीं होंगे. यू कम फ्रॉम उत्तराखंड, उस एरिया में भी अगर हम बिल्कुल विलेजेस पे चले जाएं तो अच्छे स्कूल्स नहीं होंगे, सबको बाहर निकलना पड़ता है, बड़ी सिटीज़ में आना पड़ता है, राइट. या तो लेवल प्ले फील्ड स्टेट कर सकती है कि यहाँ तो सबको बेसिक एजुकेशन सेम मिल जाए, राइट. और अदर रिजर्वेशन होना भी यही चाहिए कि सबको एजुकेशन में रिजर्वेशन ऐसा मिले कि सबको सेम फैसिलिटीज़ मिले. बट फॉर दैट अगेन वी विल कम बैक टू द सेम स्टोरी, स्टेट कहाँ से इतने स्कूल खड़े करते हैं. अच्छा, हम ना बोलते हैं स्कूल बनवा दो, हॉस्पिटल बनवा दो, सिर्फ एक बिल्डिंग थोड़ा बनानी है, उसके अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके अंदर के लोग, स्कूल में टीचर्स होंगे, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स होंगे, पैरामेडिक्स होंगे, वो सब भी तो अरेंज करना है. उनको लाने के लिए पहले बैकग्राउंड चाहिए कि इतने टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी तो हों, इतने डॉक्टर्स क्रिएट करने के लिए हमारे पास मेडिकल कॉलेजेस भी हों, इतने नर्सेज बनाने के कॉलेजेस भी हों, फिर उनकी सैलरीज, फिर साथ में जो बाकी चीज़ें जुड़ जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें, ये सबके लिए पैसा कहाँ से आएगा. दिस इज द थिंकिंग लेवल ऑफ एन एस्पिरेंट कि जब वो सोचते हैं कोई नया आइडिया के साथ वो आ भी रहे तो ये सारा एक थ्रेड उनको देखना पड़ता है. एक ना कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं, बजट. एक तो बजट हो गया कि मैंने किसी चीज़ का बजट बना लिया,
उसके साथ साथ आउटकम बजट भी देखना है, उस बजट से आउटकम क्या आ रहा है। आपको पैसा मिला कि चलो यार आप हेल्थ डिपार्टमेंट में हो, हम आपको इतना बजट सैंक्शन कर देते हैं, आप बिल्डिंग्स बनाओ, हॉस्पिटल्स बनाओ। आपने हॉस्पिटल्स बनवा दिए, स्टाफ भी रख दिया, क्या वहाँ पे एक्सरे मशीन्स थी, अल्ट्रासाउंड मशीन्स थी, एमआरआई स्कैन्स थे? अगर ये सब कुछ था, उसके बाद जो मेडिसिंस प्रिस्क्राइब की जानी थी, क्या वो अफोर्डेबल हो चुकी थी, सबको वो मेडिसिंस मिल रही थी? अगर मिल रही थी, अब बताओ इंडिया की नेशनल हेल्थ में कितना रिफ्लेक्ट होता है। अदरवाइज सिर्फ हॉस्पिटल बना देने से हेल्थ थोड़ा इंप्रूव हो गई। एग्जैक्टली राइट। तो सर जैसे अभी आपने बात कही कि हर एक विलेज में सेम लेवल ऑफ एजुकेशन नहीं है, नो डाउट हर एक जगह पे अपने अपने कुछ प्रोज कॉन्स हैं। तो अगर हम बात करें कुछ अब राज आई एस अकेडमी की तरफ चलते हैं थोड़ा सा, कि राज आई एस अकेडमी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को जो आप तक रीच करना चाहते हैं, जो पढ़ना आना चाहते हैं, बट बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स लाइक अंडर प्रिविलेज एंड ऑल, तो उन स्टूडेंट्स को आप क्या प्रोवाइड करते हैं, क्या स्पेशल चीज़? एक ना बहुत छोटा था मैं जब मैंने पहली बार ये वर्ड सुना था जी। मेरा एक कज़न था यूएसए में, तो उससे मैंने ये वर्ड सुना था कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब तो ये इंडिया में भी बहुत प्रचलित है CSR। तो अगर मैं साल में 500 बच्चों से फीस लेके उनको पढ़ा रहा हूँ, उसी क्लास में अगर 100 लोग फ्री में पढ़ लेंगे तो क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा जी, है ना? तो हम हर साल 100-200 बच्चे को फ्री पढ़ा देते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बट उसके ना कुछ यार्डस्टिक्स रखने पड़ते हैं, अदरवाइज हम सब लोग यहाँ बैठ के ना बातें करते हैं, यार कोटे का ये बेनिफिट ले गया, कोटे का वो बेनिफिट ले गया, उसने झूठा सर्टिफिकेट बनवा लिया, वो तो प्रिविलेज क्लास से आता था, फिर भी वो कास्ट बेसिस पे कोटा ले गया। और फिर बात आती है फीस देने की, तो हम खुद ही उसी सिस्टम में घुस जाते हैं कि किसी तरह मैं भी EWS हो जाऊँ, मुझे भी फीस ना देनी पड़े। तो हम किसी एक राइटफुल कैंडिडेट के क्लेम्स को किल करते हैं जो जेन्युइनली नीडी था, राइट? क्योंकि एज आई सेड कि स्कूल्स बने, कॉलेजेस बने, उनके साथ और बहुत कुछ आता है। तो ऐसी अगर मैं 100 स्टूडेंट्स फ्री लेके आऊँगा, तो अब अगर उनको मैं फ्री लेके आया हूँ, मैं अपनी इच्छा से लेके आया हूँ, मुझे उनको सेम फैसिलिटीज़ देनी है, सेम प्रिविलेजेस देने हैं, सेम लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करने हैं, तो मुझे उसके लिए टीचर्स भी एक्स्ट्रा चाहिए, मुझे उसके लिए नोट्स भी एक्स्ट्रा चाहिए, मुझे उसके लिए टेस्ट भी एक्स्ट्रा चाहिए, टेस्ट इवेल्युएटर्स भी चाहिए। मैं तो कॉस्ट पेयर करूँगा ना उसकी, वो मैं कहाँ से करूँगा? तो अगर 500 लोग जेन्युइनली अपनी पूरी फीस दे दें और तंग ना करें, तो मैं इन 100 लोगों के ऊपर वो इन्वेस्ट कर सकता हूँ, और यहीं से दोबारा फिर स्टेट पर आ जाते हैं। Exactly. अगर हम सब लोग अपना पैसा दे दें तो स्टेट को प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। और स्टेट करप्शन कैसे कर पाएगी? करप्शन स्टेट से नहीं शुरू होती, लोगों से। आप बाइक पे जा रहे हो, कार में जा रहे हो, आपको पुलिस वाला हाथ देता है। अगर आपने कुछ ऑफेंस किया और आपने रेड लाइट जंप किया, आप ओवर स्पीड कर रहे थे, या आपके नंबर प्लेट के डायमेंशन ठीक नहीं दिख रहे थे, या फिल्मिंग थी, कोई एक ऑफेंस था, उसने हाथ दे दिया, हो सकता गलती से भी हाथ दे दिया, हम डरते क्यों? हम कभी ये क्यों नहीं बोलते हैं चालान काट लो, हम ये क्यों बोलते हैं देख लो? कभी पुलिस वाला यहाँ से स्टार्ट करता है कि कुछ दो, वो सबसे पहले क्या बोलता है? डॉक्यूमेंट्स दो, तो दे दो ना। हम डॉक्यूमेंट्स देंगे तो कैसे पैसे मांगेगा? और हम उसको बोलते हैं चालान काट यार, अगर मेरा बनता है ना लॉजिकली चालान काट, अगर मेरी गलती है, हाँ तो मेरा चालान काट दो भाई, मेरे से गलती है ना, अगली बार नहीं करूंगा, याद भी रहेगा, और चालान भुगतने जाऊंगा जब मैं, तो वो पैसा खजाने में जमा होगा, सरकारी है ना, ट्रेजरी में जमा होगा, तो वो मेरी भी ब्लैक मनी नहीं थी, वो सिस्टम की भी ब्लैक मनी नहीं थी। अगर मैंने जेब से निकाल के किसी को दे दिए, तो वो मेरी भी ब्लैक मनी थी, उसकी भी ब्लैक मनी है, सिस्टम में सर्कुलेट हो जाएगी। अगर एक कांस्टेबल 100 रुपया लेगा, तो मुझे लगता है प्राइम मिनिस्टर तो फिर 100 करोड़ ले लो, कोई गलत थोड़ा। एग्जैक्टली सर, फिर एज ए नागरिक को हमारी भी हैबिट बन जाएगी कि हर बार हम ऐसे, और फिर जब हम पावर में आएंगे, हम भी यही करेंगे, क्योंकि तो ये सिस्टम बन गया। तो इस सिस्टम को तोड़ना कैसे है? मुझे चेंज होना है खुद से। सिस्टम कैसे चेंज होगा? सिस्टम तो मेरे से बना है, तो अगर मैं चेंज होऊंगा तभी सिस्टम चेंज होगा। मैं चालान कटवा लेता हूँ ना, उस पुलिस वाले के मन में अगर था भी कि मैं 100 रुपया लूंगा या 500 लूंगा, उसको नहीं मिलेंगे, वो देश के लिए लगेगा, वो स्टेट के लिए लगेगा। एक और एग्जांपल देता हूँ, हम छोटे थे ना, तो हम रेलवे की टिकट लेने जाते थे, तो तब कंप्यूटराइज तो नहीं था सिस्टम, तो लाइनों में लगते थे और टिकट बिक गई, खत्म हो गई, क्योंकि आगे खड़े बंदे ने 10 टिकट ले लिए और बाद में वो ब्लैक बेच देता था। तो अब स्टेट ने सिस्टम सिंपल कर दिया, आपको तत्काल में चाहिए ना, आप एक्स्ट्रा पेमेंट ऑनलाइन करो, ले लो, आपकी भी वाइट मनी और स्टेट के अकाउंट में भी वाइट आ गया, तो बीच में से वो बंदा निकाल दिया गया करप्शन करने वाला। ऐसे ही एक एग्जांपल है, मुझे अपनी मर्जी का गाड़ी का नंबर लेना होता था, तो मैं विंडो पे बैठे आदमी होता, मुझे ये नंबर दे दे, वो मेरे से पैसे ले लेता था। अब हम ऑक्शन में नंबर लेते हैं और हम सुनते हैं उस आदमी ने बड़ा फैंसी नंबर लिया, 10 लाख का एक नंबर, 10 लाख 20 लाख में बिक गया चंडीगढ़ में। कभी रियलाइज किया वो 20 लाख उसकी इनकम थी, जिसपे उसने 30% टैक्स भी पे किया हुआ था, राइट? और वो 20 लाख सरकारी खजाने में भी चला गया। अब जो एजुकेशन पे पैसा लगना है, हेल्थ पे लगना, वो यहीं से तो लगना था। पहले एक आदमी शायद 2 लाख में वो नंबर दे देता,
पर वो 2 लाख मेरा भी ब्लैक होता, सिस्टम का भी ब्लैक हो जाता, यूज भी नहीं होता स्टेट के, स्टेट में कहीं यूज ना होता. एग्जैक्टली, गॉट इट सर. तो ये पूरा साइकिल एक्चुअली, मतलब एक्चुअली अब डॉट कनेक्ट हो रहे हैं सर. एंड अब मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूँगी, लाइक कि आपने अपनी, जैसे आपने मुझे स्टार्टिंग में बताया बहुत शरारती बच्चे थे बचपन में, तो पहले यहाँ से शुरू करते हैं कि आपको अपने स्कूल का कोई ऐसा किस्सा याद हो जो अभी अभी भी आपको सुन के ना ऐसे हंसी आती है, क्योंकि ये नहीं था जो इतनी फनी बात है. 9th क्लास में स्कूल में MUN हुआ था, मॉडल यूनाइटेड नेशन जी. तो उसमें पता नहीं था ना अभी करना क्या लाइफ में और बनना क्या और क्या होता है सिस्टम. तो मुझे मेरे टीचर ने बोला कि तुम्हें ना हम आज स्पीकर बनाएंगे. स्पीकर लाइक स्टेज के ऊपर? नहीं नहीं नहीं, स्पीकर लोकसभा जैसे होते हैं ना. अच्छा अच्छा, ओके. तुम्हें हम स्पीकर बनाएंगे. तो मैंने पूछा भी अच्छा क्या करना होगा. कहते बस कुछ नहीं, कुर्ता पजामा पहन के आओगे और यहाँ बैठ जाओगे और सब तुमसे परमिशन लेंगे और सब तुम्हारे से वो करेंगे, यू नो दे विल आस्क फॉर यूर ओपिनियन एंड देन फाइनल डिसीजन तुम लोगे. एक बार तो सुन के बड़ा अच्छा लगा, पर पता तो था नहीं स्पीकर क्या होता उस टाइम पे. तो रिहर्सल स्टार्ट हुए तो मैं आया, तो मेरे आगे पहले एक बंदा चल के आया और टीचर ने उसको बोला भी तुम्हें ना पुलिस यूनिफॉर्म मिलेगी और तुम आगे जोर से बोलोगे ऑनरेबल मेंबर्स, ऑनरेबल स्पीकर. फिर मैं आऊँगा एज स्पीकर, मैं आके बैठूंगा, तब सारे बैठेंगे, फिर उसके बाद वो पुलिस वाला बैठ जाएगा. और जब भी हाउस में कोई डिकोरम को लेकर प्रॉब्लम आएगी तो मैं उनसे बोलूंगा कि सिस्टम मैनेज कराओ यार, तो किसी को रिमूव कराना है कुछ कराना. तो मुझे लगा यार पावरफुल तो ये है जिसने यूनिफॉर्म पहनी हुई है, हाथ में डंडा पकड़ा हुआ है और आके चिल्ला के बोलता है ऑनरेबल मेंबर्स एंड ऑनरेबल स्पीकर, फिर सब खड़े होते हैं. तो मैंने कहा मुझे तो ये बनना है. मुझे नहीं बनना स्पीकर क्योंकि पता ही नहीं था. अब मैंने वो कहते तेरा दिमाग ठीक है, नहीं नहीं मुझे तो यूनिफॉर्म पहननी है, है ना, दबंग बनना है मुझे. तो फिर मैं स्पीकर का रोल छोड़ के मैं मार्शल बन गया. राइट, ओके. तो आज मैं जब भी सोचता हूँ तो मुझे लगता है यार उस दिन मैंने ये क्या डिसीजन लिया. तो फिर आपने स्पीकर का रोल किया कि वो मार्शल का? लड़के लिया मैंने कि मुझे ये बनना है पुलिस वाला और ये डंडा लेके स्टेज पे आगे शोर से, जोर से बोलना है, शोर करना है ऑनरेबल मेंबर्स, ऑनरेबल स्पीकर. और उसके बाद जब हमारा वो MUN खत्म हुआ तो मैं एक वो प्लास्टिक का सिगरेट आता होता था, यूनिफॉर्म पहन कैसे लगा के वो फोटो भी खिंचवाई थी. सो रोल मॉडल्स ही शायद गलत थे कि एक पुलिस वाला जो सिगरेट पी रहा है और जो जो सबको डरा के रख रहा है. हम ये सोच रहे थे, हम पावर को देख के एक्चुअली आ रहे थे, ये तो समझ ही नहीं पाए ना उस दिन. और अभी भी मैं कई बार बच्चों से बात करता हूँ, 10th तक तो फिजिक्स सबने पढ़ी है ना, किसको पता है कि MLC कैसे इलेक्ट होगा जी, MLA कैसे सिलेक्ट होगा, इलेक्ट होगा, कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है, कैसे बनती है, इलेक्शन कमीशन बनाता है कि डिलिमिटेशन कमीशन बनाता है, नॉलेज ही नहीं है. मतलब अभी भी वो जो आजकल चला हुआ था ना कि रील्स एंड ऑल में जो आपने बात भी कही, बच्चे इतना टाइम वेस्ट करते हैं उस पर, तो उसमें वो आता है कि चाहे IPS के पास एक गाड़ी है जिसमें यू नो वो जो वाली पावर एंड टॉवर होती है वो दिखाते हैं, जो बेसिक रियलिटी जो भी आपने बताई कि इतना थॉट्स कनेक्ट करना, क्रिएटिव आइडियाज लाना. और मुझे लगता है वो वाली रील्स भी हम ना सिर्फ एक आधी देख के स्किप कर जाते हैं. हाँ, वो भी बस एक सेकंड के लिए एक गूज़बम्प्स ही देती है, अच्छा ऐसा भी होता है, फिर एकदम से आगे निकल जाते हैं और फिर हम क्या देख रहे होते हैं, कोई एक इंसान गिर रहा है और सब उस पे हंस रहे हैं, हम भी हंस रहे हैं. हमें ये रियलाइज नहीं होता कि आज हम गिर रहे हैं, हम गिरते ही जा रहे हैं. राइट, कहाँ से गिर रहे हैं, उस ऊंचाई से जहाँ पे हम पहुंच सकते थे जी. पर हमने अगला एक घंटा हमने क्या रील देखी कि कोई मैगी बना रहा है. हाँ, exactly. बहुत ही मजा आ रहा है मैगी बना रहा है और बीच में रसना डाल रहा है, बीच में मजा डाल रहा है और पता नहीं क्या ही बना रहा है, कोई आई एक्सपेरिमेंट हो रहा है. करेंगे भी नहीं, करेंगे भी नहीं, कभी नहीं करेंगे और देखने के बाद गाली निकाल के छोड़ देंगे, ऐसे कौन मैगी बनाता है यार, ये क्या किया. तो भाई तुमने वो 20 मिनट देखा कैसे, हाउ कैन यू डू दैट. एक आदमी तेल में भजिया तल रहा है और वो कह रहे हैं जी लाजवाब भजिया है और नाम दिया हुआ है हार्ट अटैक भजिया. तो आना ही है इतना तेल खाने के बाद, पर हम देखेंगे जरूर, देखने के बाद बोलेंगे ये क्या ही बकवास है. राइट, तो प्रायोरिटीज नहीं है ना लाइफ की, ये पता ही नहीं कि हम क्या कर सकते हैं, हम कितने कैपेबल हैं, वो सक्षम कितने हैं हम और कितना खुद को और सक्षम कर सकते हैं, कितनी नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं. और सिर्फ IAS के लिए थोड़ा नॉलेज चाहिए थी, नॉलेज लाइफ के लिए चाहिए थी. कोरोना के टाइम पर हमारे घर में मिनी कंटोनमेंट बनाया गया क्योंकि हमारे घर में सब लोग पॉजिटिव आ गए. अब मेरे मॉम तो बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं घर के अंदर बैठे हुए, उनको आदत नहीं, तो वो कह रहे ये क्या बाहर से गेट बंद कर गए, ये क्या लॉजिक होता है, ये क्या है, हमारा घर है ना. तो मैं बोलता हूँ मम्मा सोसाइटी भी हमारी है, अगर हमारे कारण डिजीज स्प्रेड होगी तो कितना रिसोर्सिस के ऊपर स्ट्रेन आ जाएगा, है ना, डॉक्टर्स कितना भागेंगे. तो उन्होंने कंटेनमेंट कर दिया, यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट दिस. राइट, मेरे घर पे एक आदमी आता है जिसको नाली साफ करनी है हमारे घर की, तो वो नाली साफ करके 300-400 रुपया मांगता है, तो हमारे घर वाले डांट देते हैं, बस इतना सा गंद साफ करने के 500 रुपये मांग रहे हो, 100 रुपये भागो यहाँ से.
अगर वो इतना सा ही काम था खुद ही कर लेते यार। हम चीजों की वैल्यू ही नहीं कर पा रहे कि किस चीज की कितनी वैल्यू है। एक स्टीरियोटाइप्स बने हुए सोसाइटी के, उन्हीं के साथ चलते जा रहे हैं और कोई फ्रेश आइडियाज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, कहीं पे कोई इनोवेशन का स्कोप नहीं लेके आ रहे हैं, निरंतर चलता जा रहा है। जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तो दो तरह के बच्चे थे, एक जो बाहर खेलते होते थे पूरा दिन और एक जो समय का जो कहते हैं ना एक नियम बना लेते थे कि इतना टाइम खेलेंगे इतना टाइम पढ़ेंगे। आज वैसे ही है, बाहर नहीं खेल रहे हैं, मोबाइल पे लगे हुए हैं, इंस्टा पे रील्स देखे ही जा रहे हैं। और कुछ है जिनको पता होता है आधा घंटा रील्स को भी देना है, माइंड को फ्रेश भी करना है। मेरा दिन शुरू पता कैसे होता है, हर रोज सुबह 10 मिनट कोई एक एपिसोड 10 मिनट का जो क्लिपिंग आती है ना रील्स की तरह कपिल शर्मा का देख, लेकिन वो 10 मिनट फिक्स्ड है, वो 10 मिनट में बेतुकी बातों पे हंस लूंगा मैं ताकि दिन के लिए एनर्जी आ जाए। कि मतलब सर टाइम टेबल का मतलब यही नहीं कि आप अपने ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट हो जाओ, एट द एंड यू आर ह्यूमन, तो थोड़ा सा अपने आप से प्यार है ना ये सब चीजें एंजॉय करो यार लाइफ को। अगर टारगेट्स अचीव हो रहे हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम रखो ना फ्रेंड्स के लिए, फैमिली के लिए। मी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ गया हुआ है, हमारे बचपन में था नहीं ये, हमें ये प्रिविलेज मिला ही नहीं बचपन में कि मी टाइम भी होता है। तो फैमिली टाइम था, फ्रेंड्स का टाइम था, शायद लगता है कि मी टाइम भी होना चाहिए था, अब लगता आके तो तुम लोगों को तो ये नॉलेज हो गई है कि मी टाइम नाम की भी चीज़ है, तो भाई इसको भी इंजॉय करो। दिन के चाहे 20 मिनट रखो, वो मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टॉक टू योर सेल्फ, आस्क वेयर यू वॉन्ट टू बी इन लाइफ, व्हाट यू वॉन्ट टू डू एंड आर यू डूइंग द थिंग्स इन द राइट डायरेक्शन और नॉट। मी टाइम इज नॉट जस्ट टू सिट विल एंड गेज एट द वॉल एंड डू नथिंग, इट इज अ टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन। अपने आप से कुछ सवाल पूछ के देखो, भाई मैंने लाइफ में अभी तक क्या ही किया ऐसा जो मुझे राइटफुल क्लेमेंट बना रहा है एक सक्सेसफुल पर्सनैलिटी के लिए। राइट तो सर, जब आपने जैसे 9th क्लास में जब आपने वो मार्शल का रोल लिया वापस से, तो आपने उसके बाद अपने आप से क्वेश्चन पूछा कि यार हाँ ये बहुत पावरफुल है मुझे ऐसा करना है। तो मुझे एक चीज तो रियलाइज हुई ना कि ये जो ऑफिसर है ये है कौन, मैंने उसके बारे में तो सुना फिर समझा। तो 10th में मेरे से पूछा गया तुम्हारी लाइफ का एम क्या, तो मैंने बोला आईपीएस। ओके, तो यहां से आपकी मोटिवेशन शुरू हुई अगर बात करें। हां एग्जैक्टली, तो मुझे पता चला कि एक आईपीएस ऑफिसर होगा जो पार्लियामेंटेरियंस को भी कंट्रोल करेगा जी। फॉर द टाइम बिंग, उस टाइम के लिए तो उसके हाथ में कंट्रोल आ गया, स्पीकर ने बोला भाई इनको रिमूव कराओ तो वो रिमूव करवा देगा। राइट, तो मुझे लगा यार बहुत पावर हुई, जितनी नॉलेज थी उस टाइम पे, जितनी एज थी, जितना एक्सपीरियंस था, तो मैंने सोचा मुझे यही बनना है। जी, तो सर अगर टूवर्ड्स द एंड अगर मैं बात लेके जाना चाहूँ, तो एज एन टीचर आपको क्या चीज़ डेली, जैसे एक तो वो 9th क्लास वाली मोटिवेशन थी क्योंकि आई वॉन्ट टू बी एन आईपीएस ऑफिसर, लेकिन अब डेली आप इतने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हो, इतने यूपीएससी एस्पिरेंट्स को प्रिपेयर करते हो, तो डेली आप ये क्या मोटिवेशन रहती है उन स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए? फियर ऑफ गॉड कि फीस ली है तो जस्टिस तो करना है जी। इवन इफ आई एम नॉट आंसरेबल टू ऑल ऑफ देम पर से, कि कोई आके मेरे से नहीं पूछता सर क्या कराया आपने। अनफॉर्चुनेट फैक्ट पता है कि हमको पता ही नहीं होता कि क्या क्या करना है। हम जितना करा दूं के लिए अच्छा है, पर हमें खुद को तो पता नहीं। अब आज सुबह की बात ही करते हैं, तो मैं सुबह बैठ के सोच रहा था कि अगर मैं ये बात करूं महात्मा गांधी जी के बारे में कि उन्होंने नॉन कॉपरेशन सिविल डिसोबीडियंस क्विट इंडिया मूवमेंट करा दी। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पे साथ में और क्या क्या चल रहा था। 1930 की अगर हम बात करें तो 31 में भगत सिंह जी भी फांसी चढ़ रहे हैं, 30 में वो असेंबली में बॉम्ब, 29 में असेंबली में बॉम्ब गिरा रहे हैं, 28 में वो साइमन के आने के बाद के असैसिनेशन के बिट के ऊपर सोच रहे हैं लाला लाजपत राय जी की डेथ के बाद। स्टूडेंट को इतना कुछ तो पता ही नहीं होगा कि ये सारी चीज़ें भी इंटरलिंक करनी है जी। तो अगर मैं ये नहीं करूँगा सो आई हैव टू फेस गॉड वन डे, तो उस दिन वो पूछेंगे भाई तूने फीस पढ़ाने की ली थी है ना, बताने की भी नहीं ली थी और बहकाने की भी नहीं ली थी, तो क्या तू पढ़ा के आया जी। तो ये मुझे बहुत मोटिवेट करता है, इसलिए मैं आज भी पढ़ता हूँ जी। राइट, ओके सर, तो टुवर्ड्स द एंड मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगी आपसे कि जैसे आपने बोला कि आप हर एक स्टूडेंट को डेली इस तरह से पढ़ाते हैं क्योंकि ऑब्वियसली आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट्स योर ड्यूटी। तो एज एन स्टूडेंट, मतलब मैंने यूजुअली बच्चों को देखा है दे स्टार्ट विद हाउ टू प्रिपेयर फॉर आईएएस ऑफिसर, मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहूँगी हाउ नॉट टू प्रिपेयर, लाइक क्या ऐसी गलतियाँ हैं जो स्टूडेंट को नहीं करनी चाहिए इन द बिगिनिंग। इन द बिगिनिंग तो सबसे पहले तो उनको ये रियलाइज़ करना चाहिए कि हमें क्लास में इन्फॉर्म्ड स्टूडेंट बन के जाना है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट बन के जाना है, टीचर को आउटस्मार्ट करने नहीं जाना जी। अगर मैं पढ़ाने आया हूँ तो भाई तुम ना घर से पढ़ के आओ, थोड़ा एनसीईआरटी पढ़ के आओ, उस एनसीईआरटी के जेन्युइन से डाउट्स लेके आओ कि सर मैंने ये लाइन पढ़ी मुझे इसका मतलब समझ नहीं आया जी। ऐसा नहीं कि मैं क्लास में फैक्ट लिखा रहा हूँ तुम चैट जीपीटी से चेक करके मुझे ही पूछ रहे हो कि सर ये फैक्ट ठीक नहीं है। तो अभी AI थोड़ा और टाइम लेगी बिल्कुल फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देने के लिए, तो
अभी थोड़े टाइम के लिए तो रियलाइज करना पड़ेगा कि चैट जीपीटी भी गलत आंसर दे रही है जी, तो तुम जी. उस पर 100% रिलाई नहीं करोगे, टीचर पे करोगे और टीचर तुम्हें ऑथेंटिक एविडेंस भी दे सकते हैं. राइट, ओके सर, राइट, थैंक यू सो मच सर. बहुत ही मुझे, मैं सीरियसली मुझे बहुत मजा आया आपसे बात करके. मुझे तब मजा आएगा जब मुझे ये पता चले कि तुमने दोबारा से डिसाइड किया कि सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं. नॉट जस्ट टू बिकम सिविल सर्विस, नॉट जस्ट टू बिकम अ सिविल सर्वेंट, बट टू बिकम मोर इन्फॉर्म्ड स्टूडेंट. एब्सोल्युटली सर, डेफिनेटली. और मैं चाहूंगी कि अगले पॉडकास्ट में मैं और भी ऐसे क्वेश्चंस ऐड करूं, क्योंकि आपसे बात करके ना लिटरली सारे डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं. और ऑब्वियसली आपको भी बहुत ज्यादा मजा आया होगा सर के आंसर सुन के, एक इंस्पिरेशन फिर वापस से मिली होगी. सो जस्ट रिमेंबर कि प्रैक्टिस डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंट, बी कंसिस्टेंट और अपने आप से ऑनेस्ट रहें. जैसे सर ने कहा, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही कुछ भी क्वेश्चंस हो, प्लीज़ आप अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में डालें ताकि हम उन्हें भी पॉडकास्ट में कवर कर सकें. थैंक यू सो मच.